अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम इम्यूनो सप्रेसेंट्स ड्रग्स पढ़ रहे थे इम्यून सिस्टम की फार्माकोलॉजी में। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रिकम्बिनेंट, वो हमारा है रिकम्बिनेंट साइटोकाइंस एंड क्लिनिकल यूजेस। कि ये रिकम्बिनेंट जो साइटोकाइंस है ये क्या होते हैं और इनके क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं, आज हमने उसके बारे में डिटेल से देखना है। जस्ट अ सेकेंड। मैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये रिकम्बिनेंट साइटोकाइंस क्या होते हैं। रिकम्बिनेंट साइटोकाइंस और कुछ नहीं, ये रिकम्बिनेंट साइटोकाइंस एक फार्मास्यूटिकल एजेंट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालॉग्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालॉग्स होते हैं। किसके एनालॉग्स होते हैं? ये आपकी बॉडी में जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड, आपकी बॉडी में क्या होते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस्ड, आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस्ड साइटोकाइंस हो गए, ठीक है, साइटोकाइंस हो गए या फिर क्लोनली स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हो गए। आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, अभी मैं इसको आराम से समझाता हूँ। वो ये बात क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है जो आपके रिकम्बिनेंट साइटोकाइंस हैं ये फार्मास्यूटिकल हैं, ये आपकी ड्रग्स हैं, ठीक है ड्रग्स, लेकिन एनालॉग्स हैं। एनालॉग्स का मतलब होता है सिमिलर है, इनका एक्शन भी सेम है, ये सिमिलर है, इनका स्ट्रक्चर फार्मूला सब कुछ सेम है। किसके सेम है? जो कि आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस्ड साइटोकाइंस, आपकी बॉडी में साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली जो खुद से, वो साइटोकाइंस हो गए या फिर क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स जो कि आपके बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं। ये क्या होते हैं? आपके बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं कि आप व्हाइट ब्लड सेल्स पैदा करें, आप इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करें। क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो आपके बोन मैरो को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि आप इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करें। अब ये दो चीजें, अब क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर ये भी नेचुरली आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और ये आपके साइटोकाइंस ये भी नेचुरली आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो ये रिकम्बिनेंट साइटोकाइंस क्या है? रिकम्बिनेंट साइटोकाइंस हैं तो ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, लेकिन ये एनालॉग्स होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं आपके इन साइटोकाइंस के और आपके इन क्लोनल स्टिमुलेटिंग फैक्टर के। जो स्ट्रक्चर इसकी होगी वही स्ट्रक्चर इसकी होगी, जो फंक्शन इसका होगा वही फंक्शन इसका होगा, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका होगा वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका होगा। तो होंगी ये ड्रग्स लेकिन एनालॉग्स होंगी, एनालॉग्स का मतलब सेम होगी, किसके सेम होगी, साइटोकाइंस के और सीएसएफ के। तो आप समझ आ गया कि फार्मास्यूटिकल रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइंस क्या होते हैं, बाकी पक्की बात है। चले जी, ये सिंथेटिक होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, हम जो अपनी लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, होती ड्रग्स हैं लेकिन सिमिलर होती हैं हमारी किसके, नेचुरली प्रोड्यूस साइटोकाइंस के और आपके सीएसएफ के, जो जो आपके प्रोड्यूस होते हैं आपकी बॉडी में उनके, ठीक है। अब हम साइटोकाइन देखेंगे, रिकम्बिनेंट साइटोकाइन देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद उनके हम देखेंगे कि नेचुरली एजेंट कौन सा है हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है, फिर उसके एनालॉग ड्रग कौन सी है और उनके क्लिनिकल यूजेस कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास लफ्ज है एरिथ्रोपोइटिन। अब ये एरिथ्रोपोइटिन आपका एक नेचुरली प्रोड्यूस्ड ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। ये क्या है? ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, लेकिन ये हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होता है, कौन सा डॉक्टर बताएगा मुझे ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन कौन से कहाँ पे प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में? ये वाला हार्मोन प्रोड्यूस होता है आपकी किडनी में। याद है ये सिंपल सा कंसेप्ट कि एरिथ्रोपोइटिन एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो कहाँ प्रोड्यूस होता है, आपकी किडनी से प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये जो एरिथ्रोपोइटिन आपका हार्मोन है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि बोन मैरो की स्टिमुलेशन करना, आपके बोन मैरो की स्टिमुलेशन, उसको स्टिमुलेट करता है कि तुम ना इम्यून सेल्स पैदा करो, क्या करो, इम्यून सेल्स पैदा करो। अब एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या है? बोन मैरो को स्टिमुलेट करना और उसको कहना कि आप जो है ना इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करो। अब दोबारा मैं बता रहा हूँ एरिथ्रोपोइटिन क्या है। एरिथ्रोपोइटिन एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो आपके किडनी से पैदा होता है और इसका काम है कि बोन मैरो को स्टिमुलेट करना कि आप इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करो। एरिथ्रोपोइटिन समझ आ गया? अब आपको दिख रहा है कि एरिथ्रोपोइटिन एक नेचुरली प्रोड्यूस्ड हार्मोन है, नेचुरली प्रोड्यूस में जो हमारी किडनी में प्रोड्यूस होता है। अब इसकी एनालॉग फार्मास्यूटिकल ड्रग का नाम क्या है, वो ड्रग का नाम ये लिखा हुआ है एपोपोइटिन अल्फा या ईपीओ एनालॉग, ये आप ड्रग है एपोपोइटिन अल्फा या ईपीओ एनालॉग। ये ड्रग बिल्कुल एनालॉग होती है एरिथ्रोपोइटिन का, बिल्कुल सेम
इसी की वजह से होती है। अच्छा, अब इस ड्रग को हम यूज कहाँ करते हैं? एनीमियाज में, यानी आपको ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है, ब्लड में आपको आरबीसीज की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी। तब आप क्या करेंगे, आप उसको ईपीपोटेन अल्फा देंगे, ईपीओ एनालॉग देंगे। ये क्या करेगा, इथ्रोपोटेन का काम क्या था डॉक्टर जुबैर? बोन मैरो को स्टिमुलेट करना। और आपका ईपीपोटेन अल्फा किस किसी मिला रहा है, तो इसका काम भी सेम होगा। वेरी गुड, बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा कि आप रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करें, तो आपके आरबीसी प्रोड्यूस होंगे बोन मैरो से, तो इस तरह आपके आरबीसी नंबर में बढ़ जाएंगे, तो इस तरह आप एनीमियाज यानी ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। समझ आ गया? बाकी बात है, स्पेशली इन रेनल फेलियर, जब आपका रेनल फेलियर हो गया हो उस कंडीशन में आप ये वाली ड्रग देंगे, ठीक है, तो आपके एनीमियाज जो है ना वो सारे क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। समझ आ गई है डॉक्टर हमजा, आपको समझ आ गई है? गुड, वेरी गुड डॉक्टर यान, आपको भी समझ आ गई है? वेरी गुड, वेल एंड गुड। तो अगर आपको ये पहला कंसेप्ट समझ आ गया है कि रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइंस क्या होते हैं, तो आपको सब कुछ समझ आएगा, आ जाएगा कि रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइंस ड्रग्स हैं लेकिन एनालॉग होती है, जो हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस साइटोकाइंस हैं उनके या सीएसएफ के, और फंक्शन में इनका सेम होता है। वही बात, कलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ये क्या होते हैं कलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स? ये भी बोन मैरो को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि आप क्या पैदा करें, इम्यून सेल्स पैदा करें, ठीक है। क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी क्या होते हैं, मतलब कि ये भी बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं कि आप इम्यून सेल्स पैदा करें। अब इसका एनालॉग जो फार्मास्यूटिकल एजेंट है उसका नाम क्या है, फेलग्रास्टिम, या इसको हम जी सी एस एफ भी बोलते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, सरग्रामोस्टिन, ये भी, या इसको हम बोलते हैं जी एम सी एस एफ। अच्छा, इसको जी सी एस एफ क्यों बोलते हैं? जी से होता है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और ये जीएम है ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेजेस क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर। जो आपका ये है, ये जीसीएफ, ये जाएगा बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और उसको बोलेगा कि आप ग्रेनुलोसाइट्स प्रोड्यूस करें। क्या प्रोड्यूस करें? और ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं याद करें जरा, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, उसको बोलेगा कि आप ये प्रोड्यूस करें। लेकिन अगर हमने ड्रग दी है जीएमसीएसएफ, ग्रेनुलोसाइट्स मैक्रोफेज, हमने दी है सरग्रामोस्टिम, तो सरग्रामोस्टिम क्या करेगी, जाके ग्रेनुलोसाइट और मैक्रोफेज दोनों की प्रोडक्शन करवाएगी, किससे? बोन मैरो से। इसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं कि आपको ल्यूकोपीनिया हुआ पड़ा है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम है, अब ये ड्रग्स देंगे, ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, अब ये वाली ड्रग देंगे फिलग्रास्टिम, फिलग्रास्टिम जाके बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगी, बोन मैरो को स्टिमुलेट करके उससे क्या प्रोड्यूस कराएगी, व्हाइट ब्लड सेल्स। जब व्हाइट ब्लड सेल नंबर में बढ़ जाएंगे तो आपका ल्यूकोपीनिया क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो व्हाइट ब्लड सेल नंबर में कम थे वो पीछे बनेंगे और ल्यूकोपीनिया आपका क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। नहीं समझ आई? कलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो आपके बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं, आपके बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं कि आप इम्यून सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करें, ठीक है। अब अगर हमने फिलग्रास्टिम ड्रग दी है तो वो इसका एनालॉग है जी सी एस एफ का, ये जाके आपके ग्रेनुलोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कराएंगे। अगर हमने सरग्रामोस्टिम ड्रग दी है तो ये जी एम सी एस एफ है, ग्रेनुलोसाइट्स मैक्रोफेज क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर, तो ये जाके आपके किसकी, मैक्रोफेज की क्या कराएगी, स्टिमुलेशन कराएगी, वहां से उसको प्रोड्यूस कराएगी। रिकवरी ऑफ ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट काउंट्स, तो इसका मतलब है कि आपके ग्रेनुलोसाइट्स हो या फिर मोनोसाइट्स हो, ये एम से मैक्रोफेज, आपके मोनो मैक्रोफेज क्या होता है डॉक्टर सुबैर? सर, दीज आर द इम्यून सेल्स व्हिच स्टार्ट इन गल्फ ऑफ पैथोजेन। वेरी गुड आंसर। आपके जो मोनोसाइट्स होते हैं ये जब तक ब्लड में रहते हैं तब तक ये मोनोसाइट्स होते हैं, जब ये ब्लड से बाहर निकलकर एट द साइट ऑफ इंफेक्शन पहुंचते हैं तब ये क्या कहलाते हैं, मैक्रोफेज कहलाते हैं। तो यही बात वो कह रहा है कि ये जीएमसीएसएफ ये आपके ग्रेनुलोसाइट्स और मैक्रोफेज के काउंट को बढ़ाता है। तो जब ये हम ड्रग देंगे तो इससे आपका ग्रेनुलोसाइट्स भी रिकवर हो जाएंगे और आपके मोनोसाइट भी क्या हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, उनके तादाद जो कम हुई पड़ी थी, तो ये हम देंगे तो बोन मैरो स्टिमुलेट होगा तो ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। समझ आ गई है? बाकी बात है, आगे बढ़े। आगे है थ्रोम्बोप्यूटिन। अब थ्रोम्बोप्यूटिन सेम लाइक एरिथ्रोप्यूटिन की तरह आपका एक हार्मोन है, जो कहां से प्रोड्यूस होता है, लिवर से। कहां प्रोड्यूस होगा? लिवर से और किडनी से, ये दोनों इसको प्रोड्यूस करते हैं, लिवर भी और किडनी भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, थ्रोम्बोप्यूटिन। अब इसका जो एनालॉग जो ड्रग है, जो फार्मास्यूटिकल ड्रग है, उसका नाम क्या है, रोमिप्लास्टिम, रोमिप्लास्टिम टीपीओ एनालॉग भी इसको बोलते होते हैं, या फिर दूसरा इसका है इल्ट्रो
इल्ट्रोम्बोपैग टीपीओ रिसेप्टर एगोरेस्ट क्या होता है डॉक्टर जुबैर? इनहेंस कर दे, वेरी गुड। एगोरेस्ट ऐसी ड्रग है जो आपके रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स उन पे एक्ट करे और रिसेप्टर का जो एक्शन है उसको इंक्रीज कर दे, उसको हम एगोरेस्ट बोलते हैं। और एक दूसरी होती है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट वो वाली ड्रग होती है जो हमारे रिसेप्टर के एक्शन को इनहिबिट करती है, कम करती है, डिक्रीज करती है, तो वो एंटागोनिस्ट होती है। यहाँ पे क्या है, एगोनिस्ट, जो ऐसी ड्रग जो हमारे रिसेप्टर के एक्शन को इंक्रीज करेगी, दैट इज कॉल्ड एगोनिस्ट। तो यहाँ पर हम एगोनिस्ट पढ़ रहे हैं। तो थ्रोम्बोपोइटिन क्या होती है, हार्मोन है नेचुरली प्रोड्यूस जो आपके लिवर और किडनी में प्रोड्यूस होता है। इसके एनालॉग कौन से हैं, रोमिप्लास्टिन। अभी हम पढ़ते हैं, दोनों का फंक्शन इकट्ठे पढ़ लेते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन और इसका एनालॉग क्या होता है, रोमिप्लास्टिन टीपीओ एनालॉग एंड इलेक्ट्रोम्बोपैग टीपीओ रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब इन दोनों, ये दोनों एनालॉग है, ये ड्रग्स है, ये नेचुरली प्रोड्यूस है, दोनों का काम है कि सेम आपके आरबीसी के आपके बोन मैरो के पास जाना और उसको कहना कि आप जो है ना अपने प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज कर दे। थ्रोम्बोपोइटिन थ्रोम्बोसाइट्स का, थ्रोम्बोपोइटिन एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोपोइटिन थ्रोम्बोसाइट्स, तो अपने थ्रोम्बोसाइट्स का काउंट आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये उसका इंक्रीज कराता है। देखिए ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज हुई है उससे आपके थ्रोम्बोसाइट्स कम हो गए, थ्रोम्बोसाइट्स क्या हो गए, तब आप ये ड्रग्स यूज करेंगे, वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा, आपके क्या बनेंगे प्लेटलेट्स, और आपके जो थ्रोम्बोसाइट्स तादाद में कम थे वो बढ़ जाएंगे और आप इसको ट्रीट, और ये प्लेटलेट स्टिमुलेटर होते हैं, मतलब प्लेटलेट्स क्या करते हैं, स्टिमुलेशन प्रोडक्शन करते हैं, उनकी प्रोडक्शन दिलाते हैं। आई होप सो दैट आपको ये तीनों समझ आ गए होंगे, हैं आसान से थे मेरे ख्याल में, एरिथ्रोपोइटिन क्रोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स एंड थ्रोम्बोपोइटिन। क्या नहीं समझ आया, आगे समझ मैं देख लूंगी कोई चीज आपकी रह ना गई हो, ठीक है। नाम से खुद नाम, वेरी गुड, वेरी गुड। थ्रोम्बोपोइटिन थ्रोम्बोसाइट्स को इंक्रीज करते हैं, प्लेटलेट्स को, एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोसाइट्स को, आरबीसीज को, और क्लोन स्टिमुलेटिंग फैक्टर आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए होते हैं, ये आरबीसी उसको वो स्टिमुलेट करते हैं आपके बोन मैरो को और व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कराते हैं, और ये डिफरेंट होती है। जो फिलग्रोस्टिन ड्रग होगी वो जीसीएसएफ होगी, ग्रेनुलोसाइट्स ही कराएगी, और जो सरग्रामोस्टिन ड्रग होगी ये आपके जीएमसीएसएफ यानी ग्रेनुलोसाइट्स और मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट्स उनकी प्रोडक्शन कराएगी। स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है, ठीक है, लेकिन होती एनालॉग है, इनकी एनालॉग होती है, इसलिए इनको हम रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोथेरापी। अब इम्यूनोथेरापी में हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 है। अब इंटरल्यूकिन 2 का जो एनालॉग होता है वो होता है आपका एल्डिस्ल्यूकिन ड्रग है। दोनों का फंक्शन क्या है, बस इनको आप सिंपल से देख लें, नॉट मच इंपॉर्टेंट, आप देख लें कि इंटरल्यूकिन 2 इम्यूनोथेरापी में यूज होता है, ये नेचुरली, आपको पता है इंटरल्यूकिन 2 तुम्हारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, याद है कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, याद करें जरा, वहां से निकलता है और उसी के ऊपर ही एक्ट करता था और उनकी प्रोलिफरेशन करता था, तो उसका एनालॉग है एल्डिस्ल्यूकिन। इसका काम होता है रेनल सेल कार्सिनोमा, अगर आपको किडनी का कोई का कैंसर वगैरह हो पड़ा है तो उनके लिए, मेटास्टेटिक मेलानोमा वहां पे आप इसको यूज करेंगे, सिंपल इनके आप देख लें बस। और इंटरफेरॉन्स जो है ना, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन, तो इनके ड्रग्स का भी यही नाम होता है, इंटरफेरॉन अल्फा ड्रग होती है, इंटरफेरॉन बीटा ड्रग होती है, इंटरफेरॉन गामा। आपको पता है इंटरफेरॉन अल्फा हम कहाँ यूज करते हैं, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में, नॉट प्रेफर्ड, ज्यादा प्रेफर नहीं की जाती, लेकिन हम यूज कर सकते हैं, एंड बी और हेपेटाइटिस बी में भी हम इसको यूज करते हैं, रेनल सेल कार्सिनोमा में हम इसको यूज करेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होती है डॉक्टर याम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है इसमें आपका जो सीएनएस है ना, सीएनएस उसके ऊपर इफेक्ट होता है, आप ये समझ लें आपके नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करती है, ठीक है, डिटेल हम इसको जो है ना पैथो में देखेंगे। नेक्स्ट है आपके जो इंटरफेरॉन गामा होता है वो आपका ट्रीट करता है क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, ये याद है, नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है आपका, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज क्या है, एचएमपी शंट याद है, रेस्पिरेटरी ब्रस्ट याद है, वहां पे हमने कहा था एक एंजाइम डिफेक्ट हो जाता है एनएडीपीएच ऑक्सीडेज, उसमें हमें क्या हो जाती थी, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज हो जाती थी एनएडीपीएच ऑक्सीडेज की वजह, कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज हो रही थी, तो हम इसको वहां पे यूज करते हैं। तो आई होप सो दैट कि आसान से था, ये आपको समझ आ गया होगा कि नहीं समझ आया, आसान से था, बिल्कुल इजी से था, समझ आ गया होगा आपको।
मैं देख लूँ कोई चीज रह ना गई हो, वैसे ऐसी कोई चीज है तो नहीं। समझ आ गई है? चलें जी आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला टॉपिक। देखिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, देखिए देखिए इंटरल्यूकिन टू का जो एनालॉग है वो एल्डिस्ल्यूकिन है, इनको हम यहाँ पे यूज करते हैं। और इंटरफेरॉन्स के जो एनालॉग्स हैं वो इंटरफेरॉन अल्फा बीटा गामा, इनके अलग। इंटरफेरॉन अल्फा यूज होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में, बी में और रेनल सेल कार्सिनोमा में। और इंटरफेरॉन बीटा जो ड्रग है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। और इंटरफेरॉन गामा जो ड्रग है ये क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज में यूज होती है। आपको बस इतना यूज होना चाहिए, पता होना चाहिए। इंटरफेरॉन्स की वैसे टाइप्स भी तो तीन थी ना जो हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी? अल्फा थी, बीटा थी, गैमा थी। तो वही नेचुरली प्रोड्यूस इंटरफेरॉन्स के मुताबिक ही उनकी ड्रग्स का नाम रखते हैं, ठीक है। चले जी नेक्स्ट है थेरापूटिक एंटीबॉडीज, उनके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैंसर थेरापी। ड्रग्स के नाम पढ़ेंगे, ड्रग्स टारगेट कैसे इसको करते हैं, उनके क्लिनिकल यूजेस कौन कौन से हैं, और फिर हम नोट्स कल कल के देखते जाएंगे। सबसे पहली जो हमारे पास थेरापूटिक एंटीबॉडी की ड्रग है वो है अलेमटुजुमैब, जिनके नाम याद करना बड़ा मुश्किल है, पढ़ना भी बड़ा मुश्किल सा होता है। अलेमटुजुमैब क्या लफ्ज है? अलेमटुजुमैब, देखें आपने क्या करना है, अलग अलग करके पढ़ना है। अलेम मैकेनिज्म ऑफ अलेमटुजुमैब, कि ये अलेमटुजुमैब ड्रग कैसे एक्ट कर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा सर, डिटेल में समझे। मैं कहता हूं कि आपके जो टी सेल्स है, आपके क्या है? टी सेल्स है। आपके टी सेल्स के ऊपर एक होती है प्रोटीन जिसका नाम है CD52 प्रोटीन। अब आपका जो ये अलेमटुजुमैब जो ड्रग है ये जाके इसको ढूंढेगी, इसको टारगेट करेगी, इसकी क्या करेगी? किलिंग करेगी, इनहिबिट करेगी इसको। जब ये इनहिबिट होगी तो मतलब आपके टी सेल्स क्या हो रहे हैं? इनहिबिट हो रहे हैं। टी सेल्स क्या हो रहे हैं? इनहिबिट हो रहे हैं। तो इस तरह ये टी सेल इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर काम करती है। अलेमटुजुमैब CD52 प्रोटीन को ढूंढेगी जो कि आपके टी सेल्स के ऊपर, ये आपकी CD52 बी सेल्स के ऊपर भी होती है, ये बी सेल्स के ऊपर भी होती है, लेकिन मोस्टली किन के ऊपर होती है? टी सेल्स के ऊपर, बी सेल्स के ऊपर कम होती है। तो ये CD52 को ढूंढेगी और जाके उसको इनहिबिट करेगी। तो इस तरह ये टी सेल्स को क्या करती है? टारगेट करती है, ठीक है। अच्छा ये इसके क्लिनिकल यूज क्या है इस ड्रग के? इस ड्रग के क्लिनिकल यूज है CLL, CLL होती है क्रोनिक ल्यूकोसाइट ल्यूकेमिया, ठीक है। और उसके बाद आपका मल्टी स्क्लेरोसिस, अभी भी मैंने बताया है कि CNS की डिजीज है, वहां पे हम इसको क्लिनिकल तौर पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट्स में इसको याद करने का तरीका लिखा हुआ है, अलेमटुजुमैब क्रोनिक, तो अलेम लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में इसको यूज करते हैं, क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया में इसको यूज करते हैं एज ए ड्रग। तो ये अलेमटुजुमैब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया है, ये टी सेल्स के ऊपर CD52 जो प्रोटीन होती है और बी सेल्स के ऊपर भी होती है उसको टारगेट करती है, और इस तरह ये टी सेल्स को क्या करती है? टारगेट करती है। समझ आ गया? मतलब ये एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट को टारगेट करेगी टी सेल्स को। नेक्स्ट हमारे पास है बेवेसिजुमैब, क्या? बेवेसिजुमैब। अब ये टारगेट करती है VEGF, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ये इसको टारगेट करेगी, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स को। अच्छा इस वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का काम क्या होता है? कि न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन कराना, नाम खुद बता रहा है वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, कि ये न्यू जो वेसल्स बननी होती है उनकी क्या कराता है? ये ग्रोथ कराता है। लेकिन आपका बेवेसिजुमैब जो ड्रग है वो जाके इस फैक्टर को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, तो जो न्यू वेसल्स की ग्रोथ हो रही है वो नहीं होती। आप कहेंगे ये तो पैथोलॉजिकल हो रहा है, नहीं, इसके फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? देखिए सबसे पहले देखिए इसको हम यूज करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर में। कैंसर क्या होता है डॉक्टर जुबैर? कैंसर क्या होता है? कैंसर में क्या होता है बेसिकली? कैंसर में बेसिकली ये होता है कि जहां पे आपके सेल्स बन रहे होते हैं ना बहुत ज्यादा एबनॉर्मल डिवीजन सेल्स की हो रही होती है, उसके इर्द गिर्द ना वेसल्स बन जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ये जो मेटास्टेटिक फॉर्म होती है कैंसर की, उसमें बहुत ज्यादा आपकी वेसल्स बन जाती है। अब हमारा काम क्या है? इन वेसल्स को रोकना ताकि कैंसर सही तरह से ना हो सके। तो कोलोरेक्टल कैंसर जो कि आपके कोलान और रेक्टम जो कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं उनका कैंसर है,
उनमें हम जो है ना जब बेवेसिजुमैब ड्रग देंगे तो बेवेसिजुमैब ड्रग वेसल्स बनने देगी? नहीं, क्यों? क्योंकि वो VEGF वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को इनहिबिट करेगी, वेसल्स नहीं बनेगी। जब वेसल्स नहीं बनेगी तो क्या कैंसर इफेक्टिव होगा? नहीं, कैंसर सही तरह से हमारे लिए खतरनाक नहीं होगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको कोलोरेक्टल कैंसर में, और इसी तरह रेनल सेल कार्सिनोमा जो कि आपकी किडनी का कार्सिनोमा है वहां पर हम इसको यूज करेंगे। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, या आपके जो लंग की जो सेल्स होते हैं, जो लाइनिंग के सेल्स होते हैं, जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक को लाइनिंग कर रहे होते हैं, उनका कैंसर होता है, तो वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो बेवसिजुमैब का काम क्या होता है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को इनहिबिट करना। वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन कराता है, तो ये ड्रग देने से न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन नहीं होती, तो जो कैंसर में वेसल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है वो रुक जाती है, तो इस तरह आप कैंसर को ट्रीट करते हैं बेवेसिजुमैब से। समझ आ गया, ये पक्की बात है। अच्छा, वो कहता है बेवेसिजुमैब आल्सो यूज्ड फॉर नियोवेस्कुलर एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। ये क्या होता है? ये होती है कि आपकी जो है ना जो आई है, आपकी आंख है, ये आंख के पीछे एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है आपकी वेसल्स की, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है वेसल्स की, और रॉन्ग प्लेस पे हो जाती है, रॉन्ग प्लेस पे हो जाती है कि जहां पर इनकी वेसल्स की फॉर्मेशन नहीं होनी थी वहां पर वेसल्स बन जाती है। दो चीजें देखें, दो चीजें, एक तो देखें, ये देखें आपकी आंख है, ठीक है, आपकी आंख के पीछे बैक पे दो चीजें, जहां पर वेसल्स की फॉर्मेशन नहीं होनी थी यानी रॉन्ग प्लेस, एक तो वहां पर वेसल्स बन जाएगी, दूसरा नॉर्मल वेसल्स भी नहीं बनेगी बल्कि क्या कौन सी बनेगी, एबनॉर्मल वेसल्स बनेगी। इसको हम क्या कहते होते हैं, न्यूवेस्कुलर एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन। आंख के पीछे रॉन्ग प्लेस पर एबनॉर्मल वेसल्स बन गई हैं। अब हमने इन वेसल्स की ग्रोथ को कैसे रोकना है भला? बेवेसिजुमैब देंगे, वो VEGF को रोकेगी। जब VEGF ही नहीं होगा तो क्या वेसल्स बनेगी? नहीं बनेगी, तो वेसल्स रुक जाएंगी। इस तरह हम आपकी न्यूवेस्कुलर एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन को ट्रीट कर सकते हैं। समझ आ गया, पक्की बात है। अच्छा, bevacizumab also used in proliferative diabetic retinopathy। अब ये क्या होता है? ये होता है कि आपको जो रेटिना होता है ना, आंख का रेटिना, आंख का क्या होता है, रेटिना। अब रेटिना के अंदर फ्रेजाइल वेसल्स बन जाती है, कौन सी फ्रेजाइल, कौन सी फ्रेजाइल वेसल, मतलब वीक सी वेसल्स बन जाती है। अब हम चाहते हैं कि ये फ्रेजाइल वेसल्स वहां पे ना बने, फिर हम क्या करेंगे, bevacizumab देंगे, वो VEGF को रोकेगी। VEGF क्या ये वेसल्स बनने देगा? तो वेसल्स नहीं बनेंगे, तो इस तरह हम प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी को ट्रीट कर सकते हैं। आपकी जो आंख का रेटिना होता है वहां पे फ्रेजाइल वीक सी वेसल्स बन जाती है, हमने उनको रोकना है। और है आपका मैक्यूलर एडिमा। मैक्यूलर एडिमा क्या होता है? मैक्यूलर एडिमा ये होता है कि आपका जो मैक्यूला होता है रेटिना, सेम वही बात, फिर आंख की बात करेगा ये, आंख में जो रेटिना होता है उस रेटिना के सेंटर में एक 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 एरिया होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं मैक्यूला। क्या बोलते हैं? मैक्यूला। अब इस मैक्यूला में फ्लूइड अक्यूमुलेट कर जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एडिमा, मैक्यूला, मैक्यूलर एडिमा। कि आपका जो मैक्यूला है, जो आपका रेटिना है, रेटिना के सेंटर में जो एरिया है उसे मैक्यूला बोलते हैं। मैक्यूला में क्या अक्यूमुलेट हो जाता है, फ्लूइड, इसे हम मैक्यूलर एडिमा बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या देंगे, bevacizumab, bevacizumab जाके इसको क्या करेगी, ट्रीट करेगी। ठीक है, समझ आ गई है? तो ये समझ आ गई, bevacizumab VEGF को आपने बस सिंपल याद क्या रखना है कि bevacizumab VEGF को इनहिबिट करती है, तो ये इन पैथोलॉजिकल डिजीज में ये यूज होती है, काम होती है। ठीक है, बाकी मैंने डिटेल में बता दिया है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है और ये डिजीजेस कौन कौन सी होती है और ये bevacizumab कैसे काम करती है और ये कैसे VEGF को इनहिबिट करती है। समझ आ गया। नेक्स्ट है रिटोक्सिमैब, रिटोक्सिमैब। तो ये रिटोक्सिमैब क्या होती है, ये एक्ट करती है CD20 प्रोटीन को। नाउ इट विल बी योर क्वेश्चन दैट सर व्हाट इज CD20 प्रोटीन, देन आई विल आंसर दैट इट इज अ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल CD20 प्रोटीन। सो योर रिटोक्सिमैब विल एक्ट, विल टारगेट, विल इनहिबिट द CD20 प्रोटीन एंड ऑफिशियली it will consequently it will inhibit the B cells। आपकी CD20 क्या होती है, ये proteins होती है जो आपकी B cells की surface पर होती है। जब आप rituximab drug देंगे तो ये CD20 protein को target करेगा, तो इस तरह ये आपके B cells को क्या करेगा, target करेगा, उसको inhibit करेगा।
क्लिनिकल यूज क्या है? बी सेल नॉन हेजकिन लैम्फोमा, ये आपके बी सेल्स का क्या होता है, बी वाइट ब्लड सेल्स का क्या होता है, कैंसर होता है। जब आप बी सेल्स का काउंट ही कम कर, कैंसर में क्या होता है कि बहुत से बी सेल्स बन जाते हैं, बी सेल्स बहुत से बन जाएंगे, बहुत से बन जाएंगे, बहुत। जब आप रिटॉक्सिमैब देंगे तो बी सेल्स का काउंट क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह आप बी सेल नॉन हेज लैम्फोमा को ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको यूज करते हैं क्रोनिक ल्यूकोसाइट लैम्फोमा में भी यूज करते हैं, रिमोटाइड आर्थराइटिस में भी हम इसको यूज। रिमोटाइड आर्थराइटिस क्या होती है डॉक्टर यहाँ? ज्वाइंट्स, वेरी गुड। और आईटीपी में भी हम इसको यूज करते हैं। अब हेयर आपका क्वेश्चन हो, आईटीपी क्या होता है? आईटीपी होता है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपोरा, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपोरा, ये हम इसको, ये एक डिजीज होती है इम्यून सिस्टम की, ठीक है। अब बस इतना याद कर ले, इनको डिटेल में हम इम्यून सिस्टम में देखेंगे। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपोरा, इसमें आपके थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल काउंट कम हो जाता है, हम उसमें इसको यूज करते हैं। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है रिस्क ऑफ पीएमएल इन पेशेंट्स विद जेसी वायरस इंक्रीज हो जाता है। अगर हम ये ड्रग दे रहे हैं, अब आप कहेंगे पीएमएल क्या है? पीएमएल एक और डिजीज है, पीएमएल एक डिजीज है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल लिको इंसेफेलोपैथी। प्रोग्रेसिव मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको लिख ले, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल लिको इंसेफेलोपैथी। एक बार फिर बता रहा हूं, प्रोग्रेसिव, पी से प्रोग्रेसिव, एम से मल्टीफोकल, एल से ल्यूको इंसेफेलोपैथी, जो इस डिजीज के पेशेंट्स होते हैं। असल में ये जो डिजीज होती है, ये होती है जेसी वायरस की वजह से। पीएमएल डिजीज होती है जेसी वायरस की वजह से। इस वायरस जैसे जो डिजीज अगर पीएमएल हो गई है और उसी पेशेंट को हम रिटक्सुमैब ड्रग दे रहे हैं, तो उस पेशेंट में पीएमएल के रिस्क मजीद बढ़ जाएगा। तो ये उसका कंट्राइंडिकेटेड है कि अगर पेशेंट को पीएमएल है और वो जेसी वायरस की वजह से है, तो आप उसको रिटक्सुमैब नहीं दे सकते, इससे उसका रिस्क बढ़ जाएगा। समझ आ गया? तो ये याद करने का नंबर लिखा हुआ है CD22 से रिटक्सुमैब, टोक्सी 2, यानी वो 2 उसने यहाँ पर लगा दिया 2। तो आई होप सो दैट आपको रिटक्सुमैब भी समझ आ गया होगा कि नहीं समझ आया, आगे समझ, वेरी गुड। जो नेक्स्ट ड्रग है वो है ट्रास्टोजुमैब, ट्रास्टोजुमैब। अब इसका काम क्या होता है, ये HER2 ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो ब्रेस्ट सेल्स होते हैं फीमेल्स के, ब्रेस्ट सेल्स होते हैं आपकी फीमेल्स के, तो जो ब्रेस्ट सेल्स होते हैं उनके ऊपर ये रिसेप्टर होता है। कौन सा रिसेप्टर? HER2। आपको जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपके जो HER2 रिसेप्टर होते हैं ना, ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ओवर एक्टिव होने की वजह से आपके ब्रेस्ट सेल्स का कैंसर हो जाता है। अब हमने इस कैंसर को ट्रीट करना है, तो हम कैसे ट्रीट करेंगे, हम क्या देंगे, ड्रग कौन सी देंगे? ट्रास्टोजुमैब। ट्रास्टोजुमैब जाके आपके HER2 रिसेप्टर को क्या करेगी, टारगेट करेगी, इनको इनहिबिट कर देगी। जब इनको इनहिबिट करेगी तो ब्रेस्ट सेल्स भी इनहिबिट हो जाएंगे और वो प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। तो इस तरह हम ब्रेस्ट कैंसर को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। और इसको हम गैस्ट्रिक कैंसर में भी यूज करते होते हैं। तो HER2 रिसेप्टर क्या होते हैं, आपके ब्रेस्ट सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, HER2 रिसेप्टर्स होते हैं। अगर HER2 रिसेप्टर्स ओवर एक्टिव हो जाए तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है फीमेल में। तो फीमेल में इस ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम ट्रास्टोजुमैब देते हैं, जो HER2 रिसेप्टर को टारगेट करेगी, उनको इनहिबिट करेगी, तो ब्रेस्ट सेल्स की प्रोलिफरेशन भी इनहिबिट हो जाएगी। तो इस तरह आप कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को। और इसको हम गैस्ट्रिक कैंसर में भी यूज करते होते हैं। समझ आ गई है डॉक्टर भाई, पक्की बात समझ आ गई है? चले, HER2 से ट्रास्टोजुमैब, फिर वही 2 वाला फार्मूला याद करने का नंबर बता रहा है, HER2 ट्रास्टोजुमैब। तो आई होप सो दैट कि आपको ये जो चारों ड्रग्स थी, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ये कौन कौन सी उसमें यूज होते हैं, आपको समझ आ गया होगा। अलेम्टोजुमैब, इसको आप देख ले, मल्टी स्क्लेरोसिस CLL में यूज करते हैं। बेवसिजुमैब को हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे VEGF के प्रॉब्लम होंगे उन डिजीज में हम इसको ट्रीट कर यूज करेंगे। उसके बाद रिटॉक्सिमैब को हम यूज करते हैं जहाँ पे बी सेल्स का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये CD20 प्रोटीन बी सेल्स के ऊपर होती है, वहाँ पे हम इसको ट्रीट करेंगे। और जो ट्रस्टोज, ये तो आसान से है, HER2 ब्रेस्ट, हर किसके यूज करते हैं हम, फीमेल के लिए, हिज मेल के लिए, तो हर ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर मौजूद होंगे ये रिसेप्टर्स, और इससे हम ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। समझ आ गया, बाकी बात है, आगे बढ़े। चले जी, नेक्स्ट है हमारे पास अडालिमुमैब।
अडालिबोबैब या फिर इसको बोलते हैं इनफ्लेक्सिबैब भी बोलते होते हैं, ये दो ड्रग्स अडालिबोबैब या इनफ्लेक्सिबोबैब ये यूज होती है आपके, टारगेट करती है सेल ऊपर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को। अब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है डॉक्टर जुबैर? ये प्रोड्यूस होता है आपके एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, याद है वो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन में याद है कि मैक्रोफेज और ये प्रोड्यूस होते हैं आपके नेचुरल किलर सेल्स भी इसको प्रोड्यूस करते होते हैं, और उसके साथ साथ ये आपके हाँ यही आपके टी सेल्स भी इसको प्रोड्यूस करते होते हैं, आपके टी सेल्स भी इसको प्रोड्यूस करते हैं सोल्युबल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस भी प्रोड्यूस करते हैं या फिर एपिथेलाइट भी कह सकते हैं, नेचुरल किलर सेल्स भी और टी सेल्स भी आपका सोल्युबल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा रिलीज करते हैं। अब आपका एडालिमोबैब या फिर इनफ्लेक्सिमोबैब आपके सोल्युबल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को जाके टारगेट करेगा, उसको रोकेगा। और इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, ड्रग्स को हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी डिजीज में यूज कर सकते हैं? सबसे पहली है आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज, जो मैंने उस तरह बताया था बॉल डिजीज, आपके इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज जो है हम इसको वहां पे यूज करते हैं। इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज आपके जो जीआईटी में जो प्रॉब्लम होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन की होती है, बॉल सिंड्रोम में हम इसको यूज करते हैं। इसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज करेंगे। इसको हम एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये क्या होती है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डॉक्टर जुबैर? नहीं पता, ये होती है कि स्पॉन्डिलाइटिस, ये तो नाम सुना हुआ होगा स्पॉन्डिलाइटिस, आपके वर्टिब्रा स्पॉन्डिलाइटिस का नाम हल्का हल्का सुना होगा कि स्पॉन्डिलाइटिस जो है ना आपके जो स्पाइन होती है, स्पाइन में आपकी जो वर्टिब्रा की जो बोन्स होती है वो फ्यूज कर जाती है आपस में, बोन्स ऑफ स्पाइन, बोन्स ऑफ स्पाइन ये क्या कर जाती है फ्यूज कर जाती है, मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड एनकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और सीरियोसिस क्या होता है डॉक्टर जुबैर? ये मैंने उसमें बताया था आपको, इच स्किन हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर रैशेस से बन जाते हैं, इच स्किन हो जाती है, दैट इज सीरियोसिस। तो ये आपके आपको आप इसको एडोलिमोबैब या इनफ्लेक्सिमोबैब को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और ये किसको, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जो सॉल्युबल होता है उसको क्या करता है, टारगेट करता है, उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। इसको आप इंटर रिसेप्टर इज अ डिक्लेयर्ड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर एंड नॉट अ मोनोक्लोनल, और ये कहता है कि ये बस आप ये देख ले सिंपल सा कि ये डिक्लेयर्ड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा रिसेप्टर है, ठीक है, नॉट अ मोनोक्लोनल, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं है बल्कि ये क्या है, डिक्लेयर्ड ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फा फैक्टर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, इक्यूलिजुमैब, इक्यूलिजुमैब, इक्यूलिजुमैब एक्ट करती है आपके कंप्लीमेंट प्रोटीन C5 को, कंप्लीमेंट प्रोटीन C5, आपकी कंप्लीमेंट प्रोटीन C5 नहीं बनेगी तो क्या आपका C5A और C5B बनेगा? याद करें C5 ब्रेकडाउन होता था C5A में और C5B में, जब C5B नहीं बनेगा तो क्या C5B C6 C7 C8 और C9 के साथ मिलकर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएगा? जब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो याद करें ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स हम कहते थे हमारे RBCs के ऊपर क्या होता है, पीगा जीन होता है, और पीगा जीन से फिर हमने कहा था इसके ऊपर वो होते हैं क्या होते हैं इसके ऊपर मेल होते हैं, उस डे इसको सेव क्या होता है, अगर ये ना हो तो आपका कंप्लीमेंट सिस्टम RBCs के ऊपर एक्ट करके इसकी डिस्ट्रक्शन कर देता है। अब जबकि कंप्लीमेंट सिस्टम बन ही नहीं रहा, उसको हम रोक रहे हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम बन ही नहीं रहा, तो इसमें डिजीज जो होती थी जब RBCs टूटते थे उस डिजीज का नाम क्या था, उस डिजीज का नाम क्या था, पैराजोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनुरिया, याद है कि जब आपका कंप्लीमेंट सिस्टम आपके RBCs की तोड़फोड़ करता है तो आपको पैराजोक्सिमल नॉक्टर्नल, मैं सिंपल सा बता देता हूँ, सिंपल सा रिपीट कर देता हूँ फिर से, मेरे ख्याल में आपको हल्का सा भूला हुआ है कि अगर आपके RBCs की जो सेल्स हैं इनके ऊपर आपके कंप्लीमेंट प्रोटीन मैक ये एक्ट करके इनकी तोड़ फोड़ कर दे RBCs की, तो हमें डिजीज होती थी जिसका नाम था पैराजोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया। अब हमने क्या करना है, हमने इक्यूलिजुमैब ड्रग दी जो कंप्लीमेंट सिस्टम को बनने ही नहीं दे रही, तो क्या मैक बनेगा, नहीं बनेगा, मैक आपके RBCs के ऊपर एक्ट करेगा नहीं, जब RBCs ही नहीं टूटेंगे तो हम इसको पैराजोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया में यूज करते हैं, इसको इस टाइप को पैराजोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया ड्रग डिजीज में हम इसको यूज करेंगे। समझ आ गई है कि इक्यूलिजुमैब कंप्लीमेंट प्रोटीन C5 को नहीं बनने देगी, आपका मैक नहीं बनेगा, मैक नहीं बनेगा तो आपके RBCs को नहीं तोड़ेगा,
तो इस आप इसको प्रोग्रेसिबल लोग टर्नर हीमोग्लोबिन में यूज करते हैं, समझ आ गया। चले जी, नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग्स है वो कौन सी है, वो है हमारे पास एक्सिक्यूजोमैब या फिर सिकोकिनोमैब। ये इंटरल्यूकिन 17 ए को एक्ट करती है और ये सिरोटिक आर्थराइटिस में और आपके सिरोसिस में ये होती है। बस सिंपल से ये देख लें इसका कि ये एक्ट के टारगेट किसको करती है और यूज कहाँ पे होती है। इसके बाद है नाटालिजोमैब। नाटालिजोमैब अल्फा 4 इंटीग्रेंस, याद करें, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है जरा जरा, इंटीग्रेंस क्या थे। इंटीग्रेंस ये ब्लड वेसल में देखे हमने कहा था एडियर एंडोथेलियल एडियर मॉलिक्यूल्स होते हैं और आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके ऊपर इंटीग्रेंस लगे हुए होते हैं, ये आके यहाँ पर चिपक जाते हैं, एडहेयर कर जाते हैं। तो ये होते हैं कि आपके अल्फा 4 इंटीग्रेंस जो आपके कहाँ पे होते हैं, एंडोथेलियल सेल, वो मतलब आपके अल्फा ग्रेड इंटीग्रेंस आपके व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर लगे होते हैं और मॉलिक्यूलर एडहेयर मॉलिक्यूल्स आपकी एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर लगे होते हैं और ये एडहेयर करते होते हैं। तो ये नाटालिजुमैब उनको एक्ट करेगी, जब उसको एक्ट करेगी तो उसको हम ट्रीट करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में और क्रोन्स डिजीज में, ठीक है। क्रोन डिजीज क्या होती है, इन्फ्लेमेटरी बॉल सिंड्रोम, बॉल डिजीज एक किस्म की होती है। अल्फा 4 इंटीग्रेंस व्हाइट ब्लड सेल्स एडहियन, तो इसमें आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स की जो एडहियन है वो नहीं हो पाएगी। रिस्क ऑफ पीएमएल इन पेशेंट विद जेसी वायरस, फिर वही बात जो पीछे वाली थी, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल लीकोएंसेफेलोपैथी की जो डिजीज है, अगर जेसी वायरस की जैसी अगर हम नाटालिजुमैब उसको ड्रग देंगे तो इसके रिस्क उसको बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेंस ये नहीं होंगे, इंटीग्रेंस को एक्ट करेगी, जब इंटीग्रेंस नहीं होगा तो यहाँ पर एडहियन होगी नहीं होगी, तो ये उस तरफ जा रहा है। उसके बाद आपका ओस्टिकिनोमैब। ओस्टिकिनोमैब क्या होती है, इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन 23 को एक्ट करती है। ये इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन 23 ये इन्फ्लेमेशन कराते होते हैं, क्या कराते होते हैं, दोनों का काम होता है इन्फ्लेमेशन। जब ये नहीं होंगे, जब ये रुक जाएंगे तो इन्फ्लेमेशन होगी नहीं, तो ये सिरोसिस जो कि आपके स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन सी होती है, रैशेस, एची रैशेस से बन जाते हैं, तो वो नहीं होगा। और सिरोटिक आर्थराइटिस ये भी आपका एक किस्म का इन्फ्लेमेशन होती है, ये कहाँ, ये आपके जो नेल्स होते हैं ना, नेल्स, ये नेल्स के ऊपर ये आपको इन्फेक्ट करते हैं, तो आपको ये इन्फेक्शन क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। आई होप सो दैट आपको ये वाले ड्रग्स भी देखे है, सिंपल सा याद आपने क्या करना है, ड्रग का नाम, टारगेट किसको करती है और कहाँ यूज होती है, ड्रग का नाम, टारगेट किसको यूज करती है और यूज कहाँ पे होती है। मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल में बता रहा हूँ कैसे ये एक्ट करती है और कैसे वो करती है। इसके बाद है एब्सिक्जिमैब। ये यूज होती है, ये टारगेट करती है आपके प्लेटलेट ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, प्लेटलेट ग्लाइकोप्रोटीन्स, या प्लेटलेट्स के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है उनके सरफेस पर अटैच होती है 2B3A, जब उनको एक्ट करती है, उनको टारगेट करती है, तो मतलब आपके प्लेटलेट की जो एग्रीगेशन होती है उसको नहीं होने देती, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं होने देती। इसको हम यूज करेंगे एंटी प्लेटलेट एजेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इस्कीमिक। देखें अगर ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर अगर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो रही है तो क्या यहाँ से ब्लड गुजर सकेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा ना, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकेगी, ब्लड नहीं पहुंच सकेगा। तो कहते हैं हम इसको एंटी प्लेटलेट एजेंट, यानी इसको हम प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होने देंगे फॉर प्रिवेंशन ऑफ इस्कीमिक कॉम्प्लिकेशंस। जब ये एग्रीगेशन नहीं होगी तो इस्कीमिया भी नहीं होगा, तो हम इसको उसके लिए यूज करते हैं इन पेशेंट्स अंडर गोइंग प्री क्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। मतलब आपकी जो कोरोनरी वेसल है वो अगर क्या हो रही है, तंग हो रही है, उसमें आपके प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो रही है, तो हम ये वाली ड्रग देंगे एब्सिक्जिमैब। एब्सिक्जिमैब जाके वहां पर प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रोक देगी, जब प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होगी तो वहां से ब्लड इजीली मूव कर सकता। समझ आ गई बात, समझ आ गई है कि नहीं। और ये टारगेट किसको करती है, प्लेटलेट ग्लाइकोप्रोटीन्स 2B और 3A, और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है ये प्लेटलेट्स के सरफेस पर मौजूद होती है और इसका काम क्या होता है कि प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन कराना। जब ये ही नहीं होगा तो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं होगी, जब एग्रीगेशन ही नहीं होगी तो इस्कीमिया भी नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा हमारे वेसल्स के अंदर। समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, डिनोसिमैब। अब डिनोसिमैब क्या होती है, डिनोसिमैब एक्ट करती है आपके रैंकल को। रैंकल आपका होता है रिसेप्टर एक्टिवेटर, इसको मैं लिख रहा हूं जरा बड़ा सा है, रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर
फैक्टर कैपा बी लाइगेंड, ये मुखफफ है रेंकल, रेंकल मुखफफ है रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी लाइगेंड का, इतना बड़ा इसका नाम है। ये इसको टारगेट करती है, डिनोजुमैब इसको टारगेट करती है रेंकल को। जब ये अच्छा रेंकल होता है, रेंकल होता है आपका एपोप्टोसिस रेगुलेटर जीन होता है, ये एपोप्टोसिस रेगुलेटर जीन होता है, ये इसको टारगेट करेगी। इसको टारगेट करके हम इसको यूज कहां करते हैं, हाँ इनिबिट करेगा इसको, इसको हम यूज करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। अगर आपके हड्डियों का कोई इन्फेक्शन हो रहा है बोन्स का, इनहिबिट्स ऑस्टियोक्लास्ट मैचुरेशन, आपके जो ऑस्टियोक्लास्ट जो मैच्योर होते हैं उनको, ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या होता है, ये आपकी बोन्स की क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उसकी रीमॉडलिंग हो सके। याद है कि जो ओल्ड बोन सेल्स होते हैं, ओल्ड बोन सेल्स उनकी डिस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं डिस्ट्रक्शन। जब ओल्ड बी सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो इन ओल्ड बी सेल्स की जगह पर न्यू बी सेल्स, न्यू बोन सेल्स लगेंगे, न्यू, और ये न्यू बोन सेल्स कौन बनाते हैं, ऑस्टियो ब्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट ओल्ड बोन सेल्स की डिस्ट्रक्शन करेगा, ब्रेक डाउन करेगा ताकि रीमॉडलिंग हो सके। रीमॉडलिंग होती है कि ओल्ड बोन सेल्स की जगह पर न्यू बोन सेल्स का आना, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट ओल्ड बोन सेल्स की क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, टूट फूट करता है। तो ये उनकी मैचुरेशन नहीं होने देगी, ये वाली ड्रग ऑस्टियोक्लास्ट की मैचुरेशन नहीं होने देगी ताकि ऑस्टियोक्लास्ट मैचुरेट ना हो और बोन्स की डिस्ट्रक्शन ना हो। मेमिक्स ऑस्टियोप्रोटेक्ट पोस्टोग्रेन में हम इसको यूज करते हैं। डिनोजुमैब हेल्प्स मेक डेंस बोन्स, ये बोन्स की ब्रेक डाउन नहीं होने देगी, जब बोन्स ब्रेक डाउन नहीं होगी तो बोन्स क्या हो जाएगी, डेंस हो जाएगी ना, तो हम इसको वहां पे यूज करते हैं। तो डिनोजुमैब किसके ऊपर टारगेट करती है, रेंकल को, और ये एंड में यूज होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है ओमालिजुमैब, ये आपके आई जी ई को टारगेट करती है। अच्छा याद करें जरा हाइपरसेंसिटिविटी टाइप वन, वहां पे जितने भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहे थे हमने कहा था मास सेल्स के ऊपर क्या होती है, आई जी ई बन जाती है, और कोई भी एंटीजन आता है वह इसको क्रॉस लिंक करता है, तो इससे क्या रिलीज होता था, हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता था, या तो आपके जी आई टी के इन्फेक्शन, या फिर आपके वेजोडाइलेशन करा देता था, या फिर आपकी ब्रोंकोस्पाज्म करा देता था, याद है, या स्किन के रैशेस करा देता था, या फिर अस्थमा करता था, याद है, हाइपरसेंसिटिविटी ए में टाइप वन में अस्थमा भी होता था, एनाफिलैक्सिक रिएक्शन होते थे। तो आई जी ई ही जब नहीं होगी तो क्या एलर्जिक अस्थमा होगा, तो ये आई जी ई बाइंडिंग टू, देखे देखे आई जी ई जाके लगती थी मास सेल्स के ऊपर, किसके जरिए, एफ सी पोर्शन के जरिए। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स एफ सी पोर्शन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको प्रिवेंट करेगा, आई जी ई मास सेल्स के ऊपर लगेगी नहीं, मास सेल्स एक्टिव होंगे नहीं, हिस्टामिन रिलीज होगी नहीं, तो आपको एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होंगे। तो इसको हम वहां पे यूज करते होते हैं कि ओमालिजुमैब को हम आई जी ई को टारगेट करती है, और ये जो जितने भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं हाइपरसेंसिटिविटी टाइप वन वाले वो नहीं होने देती, और ये एफ सी पोर्शन के जो रिसेप्टर्स होते हैं इसके आई जी ई आई जी, देखे ये मास सेल है, मास सेल के ऊपर किसके जरिए लगती है, किसके जरिए लगती है, एफ सी रीजन के जरिए। तो एफ सी रीजन जहां पे लगेगा अपने रिसेप्टर के जरिए लगेगा ना, तो मास सेल्स के ऊपर एफ सी एप्सिलॉन, एफ सी ई का मतलब, एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि आई जी ई के रिसेप्टर्स हैं, हमने कहा था ना वो बी डी जे सेगमेंट में पढ़ा था कि एप्सिलॉन होगा तो आई जी ई टाइप होगी, तो एप्सिलॉन आर वन के जो रिसेप्टर होते हैं इनको वो क्या कर देगी, प्रिवेंट कर देगी। जब रिसेप्टर ही प्रिवेंटेड है, क्या ये एफ सी पोर्शन इसके ऊपर लगेगा, नहीं लगेगा। जब वो मास सेल्स के ऊपर लगेगा ही नहीं, मास सेल्स एक्टिव ही नहीं होगा, हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा, हाइपरसेंसिटिविटी टाइप वन नहीं होगा, और तमाम एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होंगे। समझ आ गई आपको। और उसके बाद पेलिविजुमैब, पेलिविजुमैब यूज होती है आरएसवीएफ प्रोटीन, ये वायरस है, ठीक है, आरएसवी जो है ना प्रोटीन दैट मीडिएट्स फ्यूजन ऑफ वायरल मेम्ब्रेन, देखे ये एक प्रोटीन है, देखे ये आपका होस्ट सेल बॉडी का, जब कोई वायरस आता है तो वो क्या करता है, वायरस पहले इसके ऊपर बैठता है, ये जिस प्रोटीन के जरिए बैठता है, जिस प्रोटीन के जरिए इसके ऊपर सेट करता है, उस प्रोटीन का नाम है आरएसवीएफ प्रोटीन। ये वायरस आपके होस्ट सेल के ऊपर मेम्ब्रेन के साथ जो फ्यूजन होती है, इकट्ठे जो मिलते हैं वो आरएसवीएफ प्रोटीन के जरिए मिलते हैं। जब ये प्रोटीन ही नहीं होगी, ये प्रोटीन को टारगेट करेगा पॉलीविजुमैब ड्रग, तो क्या ये वायरस इसके ऊपर सेट कर पाएगा,
बैठ पाएगा? नहीं। तो क्या वायरस इस सेल को इन्फेक्ट कर पाएगा? नहीं। नहीं समझ आया? ये होस्ट की प्रोटीन होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आरएसवी प्रोटीन है, यहाँ पर आरएसवी प्रोटीन है। अब ये आरएसवी प्रोटीन जब ये आएगा, आरएसवी प्रोटीन ये वायरस को और ये इसको इकट्ठे मिलाता है, जब फ्यूजन होती है तो ये इन्फेक्शन हो जाता है अंदर। अब जब ये आरएसवी प्रोटीन को ही इनहिबिट कर देगा, आरएसवी प्रोटीन नहीं है, तो क्या आपका ये इसके ऊपर बैठ सकेगा? क्या ये इसको इन्फेक्ट कर सकेगा? तो इस तरह हम जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनको हम ठीक करते हैं। और आरएसवी प्रोफिलेक्सिस फॉर हाई रिस्क इन्फेंट्स, प्रोफिलेक्सिस का मतलब क्या होता है कि प्रिवेंट करेंगे, उसको पहले ही हम उसको वो दे देंगे ताकि हमें इन्फेक्शन है कि इसको ये वाले मतलब इसको वो प्रॉब्लम ना हो, डिसीज ना हो, तो उसको हम ये ड्रग देंगे पॉलीविज़ोमैब, वो आरएसवीएफ प्रोटीन को जाके इनहिबिट कर देगा, तो आपका ये इन्फेक्शन नहीं होगा। समझ आ गया? तो ये पहली पहली वी सिक्स सिक्स मतलब सिक्स वायरस वी आई वायरस को मतलब इसको हम उसमें वायरस मतलब वायरस से हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। समझ आ गया? ये कह रहा है कि पेलिविजोमैब, यहाँ पे उसने वी आई को बोल्ड करके लिखा है पेलिविजोमैब को, और वायरस का वी आई ये भी होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। समझ आ गई आपको? तो आज हमारी नॉलेज हो गया खत्म है। कांग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, हमारी नॉलेज खत्म। कल हम इसके सेकेंड हाफ की रिवीजन करेंगे, परसों हम इसका एक टेस्ट लेंगे पूरा भरा हुआ। तो आपको ये समझ आ गया? देखिए आसान से थे। ड्रग्स का नाम टारगेट किसको करता है, यूज कहाँ होती है, बाकी मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बता दिया कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, और ये आपके रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइंस थे, एनालॉग्स थे, कि नेचुरली प्रोड्यूस ये हैं, उनके एनालॉग्स ड्रग्स ये हैं, उनका क्लिनिकल यूजेस ये है, ठीक है। हाँ, एक शेर पढ़ने का दिल कर रहा है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी के खत्म होने पर शेर है कि दौरे आखिर है सो तबलीगे मोहब्बत के लिए, दौरे आखिर है सो तबलीगे मोहब्बत के लिए, अब पैगंबर नहीं हम अहले कलम आते हैं। चले जी, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। आई होप सो दैट कि आपका ये सेशन हमारे साथ बहुत अच्छा चला होगा, इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम का। कल इंशाल्लाह हम इसके सेकंड हाफ की रिवीजन करेंगे और फिर हम इसका एक टेस्ट लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। इसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।